राग धंगूरी में है, इसकी ताल खटमंडू है। और इस गीत से जुड़ी आपको बात मैं बताना चाहूँगा कि जब विश्वजीत ने स्वयं एक फिल्म बनाने का निर्णय लिया, कहते हैं मुझको राजा, तो आर डी बर्मन का संगीत था, मजरू साहब के गीत थे, किशोर दा उसको गाने के लिए आ रहे थे, और किशोर दा की आदत थी कि वो पेमेंट पहले लेते थे। तो विश्वजीत खुद नहीं पहुँचे, उनका एक प्रोडक्शन कंट्रोलर वहाँ पर मौजूद था। तो किशोर दा ने आते ही अब्दुल से बोला, अब्दुल चाय पी लिया? कहता नहीं दादा अभी नहीं। तो किशोर दा फिर ऐसे ही थोड़ा सा इधर उधर गुनगुनाते रहे गाने को और करते कराते धीरे धीरे स्टूडियो से बाहर चले गए। विश्वजीत ने आकर पूछा कि गाना रिकॉर्ड हो गया? कहता नहीं। कहता तो क्यों, क्या हुआ? कहता किशोर दा तो है नहीं। कहता कहाँ गए, वो तो चले गए। तो उसने बोला, प्रोडक्शन तुमने पैसे दिए उनको? कहता नहीं। कहता बेवकूफ़ आदमी। उन्होंने तुरंत किशोर दा को फ़ोन किया कि किशोर दा सॉरी, वो प्रोडक्शन कंट्रोलर नया आदमी था, उसको मालूम नहीं था, आप आ जाइए, आपकी पेमेंट बिल्कुल तैयार है, कल आते आपको पैसे मिल जाएंगे। तो अगले दिन किशोर दा स्टूडियो आ गए और आते, हाँ अब्दुल चाय पी ली क्या? तो कहता हाँ गेट पे ही पी ली थी। तो किशोर दा आए और आके उन्होंने कहा कि मजरू साहब बताइए गाने का बोल क्या है? कहते गाने के बोल तो कल आप साथ ले गए। कहते अरे अब्दुल देखना गाड़ी में वो गाने के बोल पड़े होंगे जो मजरू साहब ने कल लिखा था। तो कहते कि अरे दादा कमाल कर रहे हैं, वो गाने के बोल आप लेके गए थे, वो रस्ते में पकौड़े खाए थे, आपने उसी से हाथ पहुँच के फेंक दिया। कहते मजरू साहब गलती हो गया मुझसे, अब कुछ भी करो गाने का सिचुएशन के मुताबिक, आपने जो भी थोड़ा सा याद है आप कर लीजिए, बाकी मैं संभाल लूँगा। कहते भाई जो हीरो है वो नौटंकी है, सड़क के किनारे खड़े होकर मैजिक शो वगैरह करता रहता है, तो कुछ इस तरह से है गाना। तो कहते चिंता मत करो, किशोरीलाल खटमंडू इस गाने को लिख भी देगा, इसको गा भी देगा। तो 90% जो गाना है वो किशोर दा की अपनी क्रिएशन है। तालियां जोरदार किशोर दा के लिए इस बात पर। और इस बहुत ही मुश्किल गीत को पेश करने के लिए जिस कलाकार को मैं बुला रहा हूँ, हमें बड़ा फख्र है उस कलाकार पर, क्योंकि सबसे मुश्किल ज़्यादा गाने हम अक्सर उसी कलाकार पर डिपेंड करते हैं। पेशे से ये आयुर्वेद के डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर सुनीत सेखरी आपके बीच आ रहे हैं इस गीत को लेकर। बाम चीक चीकी बाम चीक चीकी, बढ़ के बोल बेटा बम बम, बढ़ के बोल बेटा बम बम। भाई शंभू तन गया तंबू, तंबू में झमझम
रही थम 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 छ छ छम छम छ छ छ छ छम छम घुंघरू पायल बांधे घुंघरू चाक उतार चली मुगले आजम की आगे खड़ी है अनार गली ए चल बेटा चल बेटा बम 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 चीक चीक थाम चीक चीक बम चीक चीक थाम चीक चीक बम चीक बुब चीक बम चीक बुब चीक बम चीक बुब चीक बम चीक बुब चीक पड़ के बोल बेटा बम बम पड़ के बोल बेटा बम बम पड़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा ले फट फट ले धोबी फट फट ले धोबी फट ले बुझटका धोबी फटका दिल झटका अटैक सितारा अब रे समूरे जरा हटके चल वे दिखा दे प्यारे टटके यहीं से दिखेगा अलबत्ता दिल्ली बंबई कलकत्ता हर राम कृष्णा प्यार की कहानी देखो तो चोर चाहे कल पानी कल्ला जोरदार 30 साल पहले एक से एक है महल पे दहले एक से एक है महल पे दहले आकुम बाकु पारा तोड़ी चोदुर माता शुशुर बड़ी रेल कम कम जाऊं पाओ पीछे आलू डोम चल बेटा चल बेटा सबको मेरा झुक झुक के सलाम और क्या कहते हैं अरे राम राम अरे धत्तेरी की थैंक यू इस गाने में तो स्टैंडिंग ओवेशन बनता है क्योंकि जो इस गीत में रैप ये सब कुछ इतनी खूबसूरती से किशोर दा ने गाया तो ये स्टैंडिंग ओवेशन किशोर दा के लिए आर डी वर्मन के लिए और सुनील सेकरी के साथ साथ डोरेमी द क्रिएटिव एंटरटेनर्स के लिए बहुत खूब